चलिए अब बात करते हैं सरस्वती नदी की। सरस्वती नदी है उसका उद्गम स्थल होगा हिमालय। लास्ट पूछा था तो उसका उद्गम स्थल कौन सा होगा, हिमालय। ठीक है, और इसी प्रकार से हम आगे वाला क्वेश्चन, इसका उद्गम स्थल होगा हिमालय से। ठीक है, सॉरी एक मिनट। और आगे वाला इसका अगर बहाव की बात करें, मतलब बहाव मतलब होता है इसका पानी, जो उसका बहाव, पानी का बहाव कौन कौन से एरिए में कहाँ तक जाती है। इसका बहाव है हरियाणा, राजस्थान, गुजरात से होती हुई सिंध सागर में, सिंध सागर या अरब सागर में मिलती है। इसका इतना पूरा बहाव हो गया। ठीक है सर, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात होती हुई सिंध सागर में मिलती है। वर्तमान में यह नदी विलुप्त तो हो गई है, लेकिन आज भी हरियाणा व राजस्थान प्रदेश के अंदर ही अंदर में प्रवाहित होने की खोज मिल रही है। ठीक है, जो वर्तमान में अगर आपको ये पूछा जाए तो कौन सी नदी है जो वर्तमान में विलुप्त हो गई है, तो विलुप्त याद रखना, विलुप्त कौन सी नदी हुई है, सरस्वती नदी हुई है विलुप्त, जो गंगानगर मानगढ़ क्षेत्र में इसका बहाव अपने को क्षेत्र को मिलना पड़ता है, लेकिन हरियाणा, राजस्थान, गुजरात में ही मिलती है। लेकिन मुख्य तौर पे इसको छोटे अवशेष के अंदर इसको मानगढ़ के गंगानगर में देखा जा सकता है। ठीक है, इसकी इसी प्रकार जैसे कि मैंने आपको बहुत से क्वेश्चन कर दिए, आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। इसके आगे वाला क्वेश्चन होगा इसके नर्मदा नदी की बात करें, नर्मदा नदी की बात करें तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है, उद्गम स्थल होगा अमरकंठ से निकलकर अरब सागर तक जाती है उद्गम स्थल। ठीक है, अब इसका उद्गम स्थल होगा अरब सागर, ये इसका उद्गम स्थल करें तो उद्गम स्थल होगा अमरकंठ से निकलकर अरब सागर तक जाती है। बहाव है ओकारेश्वर मानधा माँ ने गाता सुलक तीर्थ भेड़घाट जोलपुर कपिलधारा आदि। बाव कहाँ से इसका, ओंकारेश्वर मनगता दा सुलक तीर्थ भेड़घाट और जबलपुर कपिलधारा आदि है। यह सती अनुसुया कामिंदर भी इसके पास बना हुआ है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन सा रहेगा, क्वेश्चन अपने पास इस चीज़ की नदी का ये रहेगा, सती अनुसुया कामिंदर इसी नदी के किनारे बना हुआ है। अभी पिछली बार फर्स्ट ग्रेड के अंदर पूछा गया था सती अनुसुया कामिंदर किस नदी के किनारे बना हुआ है, तो नर्मदा नदी के किनारे बना हुआ है। और इसकी टोटल लंबाई कितनी होगी, इसकी टोटल लंबाई की बात करें तो इसकी टोटल लंबाई होगी 1300 किमी। ठीक है, और अब आगे वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो आगे वाले क्वेश्चन को देखेंगे हम। ठीक है, गोदावरी नदी, अब गोदावरी नदी में चलें, गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से है, ब्रह्मगिरी से नासिक से इसका उद्गम होता है, निकलकर यह गंगा सागर में मिलती है। बहाव हो गया पंचवटी, पैठण, राजमहेंद्री, भद्राचलम, नादेड़, कोटा, पल्ली और आदि होगा। ठीक है, इसके दक्षिणी भारतीय गंगा भी कहते हैं। कौन सी नदी को दक्षिणी भारतीय गंगा कहते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, कौन सी नदी को दक्षिणी भारतीय गंगा कहते हैं, तो ये अपनी नदी आती गोदावरी को। इसकी लंबाई की बात करें तो लंबाई है 1450 किलोमीटर। ठीक है, तो इसकी अगली नदी की बात करें, अगली नदी होगी अपनी कृष्णा नदी, अगली नदी होगी कृष्णा नदी। तो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है यद्राद्री पर्वतमाला के महालेश्वर के उत्तर में स्थित कराड़ नामक स्थान से निकलकर महासागर में मिलती है। यह यद्राद्री पर्वतमाला में महाबलेश्वर के उत्तर में स्थित कराड़ नामक स्थान से निकलकर गंगा सागर में मिलती है। बहाव होगा सतारा, सांगली, रायचूर, विजयवाड़ा, नागार्जुन सागर, इसका बहाव क्षेत्र हो गया। इसकी लंबाई होगी 1280 किमी। अब कावेरी की बात करते हैं, कावेरी का उद्गम स्थल है कुर्ग जिले के सह्याद्री पर्वत से निकलकर सागर में मिलती है। ठीक है, और इसका बहाव गया श्रीरंगपतन, शिव समुद्रम, श्रीरंगम, तज्जापुर, कुब कोमन, त्रिपिलारा पल्ली, इसकी लंबाई होगी 800 किमी। अब ये अपने लास्ट नदी की बात कर लेते हैं, महानदी। अब महानदी को देखा जाए तो महानदी है उद्गम हो गया रायपुर जिले के मध्य प्रदेश से दक्षिणी शेपुर में सिंघावा पर्वत से निकलकर उड़ीसा के कटक के पास सागर में मिलती है। बहाव क्षेत्र हो गया रायपुर, बस्तर, बिलासपुर आदि। इसकी लंबाई होगी 860 किमी। विश्व का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध महानदी बना हुआ है। सबसे बेस्ट और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा, विश्व का सबसे ऊंचा बांध कौन सी नदी बना हुआ है, तो आपका ये रहेगा विश्व का सबसे ऊंचा व लंबा बांध हीराकुंड बांध महानदी में बना हुआ है। ठीक है, और इसे हमने क्वेश्चन किया है।